खालि सैफुद्दीन आपके साथ बात करेंगे हम 18 तारीख की कॉल के लिए 18 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन को हंड्रेड इंडेक्स के जनाब आज का सेशन जो है अगर उसका हम स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो उसका आगाज बहुत शानदार था मतलब मार्केट का जो आगाज़ था ये ये कहना बजा होगा कि जो एक्साइटमेंट थी मार्केट की पिछले दो सेशन की वो आज के स्टार्ट में हमें नज़र आई क्योंकि मार्केट कम दिए गए इमीडिएट टारगेट के पास ट्रेड होना शुरू हुई और उसके बाद फिर एफर्ट्स कंटिन्यू नज़र आई बुल्स की और अगर आप टाइम देखें तो कम ये दो बजे तक दो सवा दो बजे तक मार्केट जो है ऊपर ही ट्रेड हुई और मार्केट ने जो आपको टारगेट दिया गया था सैतालीस हज़ार तीन सौ अट्ठावन थ्री फोर्टी थ्री का वो अचीव किया कमोबेश और उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से एग्जॉस्ट हुई और उसके बाद आ, मार्केट जब एग्जॉस्ट हुई तो उसने जब अपने स्टार्टिंग लेवल को जो सैंतीस हज़ार सैतालीस हज़ार एक सौ उन्नीस के पास था उसको जब ब्रेक किया तो एक डाउन सिचुएशन मार्केट में देखी गई और मार्केट सीधा जो पहली सपोर्ट थी छियालीस हज़ार सात सौ छप्पन सात सौ इक्कीस की वहाँ जाके मार्केट ने रेस्ट किया और फिर नाइन्टी नाइन नाएं पॉइंट्स के नुकसान के साथ मार्केट बंद हो गई वॉल्यूम्स कमोबेश वही रहे जो कल थे उसमें कोई तब्दीली नहीं है फॉरेन फंड्स जो हैं उनकी आज सेलिंग थी कल कुछ इनफ्लोस हमें नज़र आई थी जबकि लोकल फंड्स और इन्वेस्टर्स के इनफ्लोस बरकरार रहे ये कई दफ़ा लोग जो हैं फॉरेन फंड्स की सेलिंग और बाइंग से मार्केट के तेज़ी और मंदी को जोड़ देते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि मैं आपको वीकली जो कॉल होती है उसके अंदर बड़ी डिटेल से ये इनफ्लोस के हवाले से बता चुका हूँ थोड़ी सी अपडेट मैं आपको फिर कर देता हूँ अगर आप लोग ईयर वाइज देखेंगे मार्केट को तो जो मार्केट के जो बेशतर साल थे तकरीबन समझिए आप 2015, 2016, 2017, दो हज़ार सोलह दो हज़ार सत्रह दो हज़ार दो हज़ार उन्नीस तो 18, 17, 16 और 15 तो चार साल मुसलसिल सेलिंग होती रही जबकि इसमें मैं अगर आपको बताऊं आप हैरान होंगे कि 2017 में सिर्फ दो महीने में इन्फ्लोस थी 2018 में सिर्फ एक महीने में इन्फ्लोस थी तो अब अगर आप वापस इंडेक्स की तरफ आएँ और इंडेक्स को आप देखना चाहें कि 2018 में इंडेक्स कहाँ था और 2017 में कहाँ था तो आप यकीनन इस बात को देखेंगे कि इंडेक्स जो है जो अभी जो आ, दो उन्नीस uh, में जो है इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक आया फिर बेशक दो हज़ार बीस में हमने उसको तो नीचे आते ज़रूर देखा मगर ऐसा नहीं है कि इंडेक्स की वजह सिर्फ एफ एफ आई पी आई के फिगर्स को लेकर मार्केट चलती है तो ये थोड़ा सा अपने अंदर से ये चीज़ आप लोगों को निकालनी होगी वो मेरा नहीं ख़्याल कि ये दुरुस्त इकदाम होगा खैर चलते हैं आगे तो जनाब उसके बाद आ, आ, अगर हम देखें तो आ, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पंजाब का जिसने मुझे बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया और मेरे तमाम इवेंट्स को जो पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ में थे उसमें ज़बरदस्त ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन थी और मैं बहुत एक्साइटेड और ख़ुश पंजाब से आया हूँ अलहमद अब ना आई एम बैक टू कराची तो अब इन शाली बहुत जल्द आप लोगों के पास फिर दोबारा हम आ रहे हैं क्योंकि जो काम हम आपको बताकर गए जो किसी हद तक अधूरा है उसको पूरा करने के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी अच्छा जना पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट मैं आज के सेशन को एक ऑसम awesome सेशन कहूँ तो गलत नहीं होगा उसकी वजह यह है कि अगर देखें हम तो आगाज़ पीर का ज़बरदस्त कस्म की यानी कि मेरी वहमो गुमान में भी नहीं कि इतनी तेजी हो सकती है जो मंडे को हमने तेजी देखी फिर उसका फॉलोइंग डे ट्यूसडे जबरदस्त तेजी फिर उसके बाद आज थर्ड सेशन जबरदस्त स्टार्टअप और जो टारगेट दिया गया उस टारगेट को मार्केट अचीव करती है टारगेट को अचीव करने के बाद जब हम वहाँ पर सेफ लैंडिंग करते हैं एग्जिट मिलती है उसके बाद मार्केट एग्जॉस्ट होती है तो मतलब इतना फ्... इस, इस... मतलब मार्केट वॉज रियली फेयर टू लॉन्ग ट्रेडर्स कि उसने भरपूर मौका दिया अगर आप लोगों ने स्क्रिप्ट कॉल यकीनन सुनी होगी तो आपने नोटिस किया होगा मैंने ख़ास तौर पे आप लोगों को टैली के हवाले से एक मैसेज दिया था कि आपने कैसे और कहाँ निकलना है तो आप ज़रा देखिए कि मार्केट ने हमको भरपूर मौका फराम किया कि हम अपनी जो पोजिशन एग्जॉस्ट हो रही हैं जिनकी परफॉर्मेंस हो गई है वो एक्यूबलेशन में जाएं या एग्जॉस्ट हो उससे पहले हम बाहर आ जाएं प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो उसका भरपूर मौका मिला खैर भारत तो इट वाज ओवरऑल अ फन सेशन फॉर ऑल लॉन्ग ट्रेडर्स मेरे हिसाब से अच्छा अब आगे चलें अगर हम तो आ, मुझे मार्केट में कोई ऐसी परेशानी या गिरावट तो नज़र नहीं आती मगर यह है कि अगर छियालीस हजार सात सौ चार के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट जो है छियालीस हजार पाँच सौ अट्ठारह को टारगेट कर सकती है और पाँच सौ अट्ठारह को भी टारगेट कर ले तो मुझे कोई परेशानी नहीं है मार्केट से क्योंकि मार्केट से हम निकल चुके हैं एज पर कॉल एज पर अचीव टारगेट वी आर आउट ऑफ द मार्केट सो हमारे लिए ये खुशाइंद होगा और अच्छा होगा हमको कुछ स्टॉक टारगेट करने का मौका मिलेगा क्योंकि अब आप लोगों को मार्केट बंद होने से पहले भी कुछ एक दो स्टॉक मैंने बताए तो अब हम मार्केट में वो स्टॉक टारगेट कर सकते हैं और अच्छा टारगेट उसी वक्त होगा कि मार्केट को थोड़ा सा डिप मिल जाए ठीक है ना हम तो टारगेट पे सैतालीस हजार तीन सौ तिरतालीस वाले टारगेट पे निकल चुके हैं अब जनाब अगर मार्केट सैताली छियालीस हजार सात सौ चार के नीचे ट्रेड करती है तो, तो एग्जॉसन कंटिन्यू करेगी वरना हो सकता है मार्केट जहां पे क्लोज हुई है अगर आप देखें तो ये पहली सपोर्ट लेवल है जो कल आपको दी गई थी छियालीस की तो आई डोंट नो मे बी यहां से मार्केट रिवर्स हो जाए मगर बहरहाल अगर 704 तोड़ती है हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो हम किसी ऑप्शन को इग्नोर नहीं कर सकते अगर 704 के नीचे ट्रेड होती है तो ठीक है एग्जॉस्ट कंटिन्यू करेगी छियालीस हजार पाँच सौ अट्ठारह कुड बी ए टारगेट और मैं बता दूं मुझे मार्केट में कोई प्रॉफिट टेकिंग नजर नहीं आती जब तक छियालीस हजार एक सौ चौरासी एक सौ पैंसठ सलामत है बरकरार है जो प्रॉफिट टेकिंग शुरू होती हुई मुझे नजर आएगी वो उसके नीचे आएगी ठीक है जनाब अब आ जाए दूसरी तरफ क्या हो कि अगर मार्केट छियालीस हजार सात सौ इक्कीस को जो आज उसने टेस्ट किया वहीं से रिवर्स हो जाए तो जनाब मार्केट को मिनिमम छियालीस हजार नौ सौ सत्ताईस के ऊपर रुकना होगा आप इस बात का शक रखें कि हाइपर मूव जो है वो शॉर्ट एंड स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी हो सकती है तो हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हम शॉर्ट एंड स्ट्रेंथ कर दें हाँ सैतालीस हजार एक सौ छत्तीस के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करने लगी और सस्टेन कर गई तो फिर एग्जॉस्ट वाइप ऑफ खत्म एग्जॉशन की कोई बात नहीं हो रही फिर फिर दोबारा नॉर्थ बॉन्ड का सफर शुरू हो जाएगा तो लिहाजा मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल जो है छियालीस हजार नौ सौ एंड टू वाइप ऑफ एग्जॉस्टन कंप्लीटली फ्रॉम द इंडेक्स सैतालीस हजार एक सौ छत्तीस एक्सपेक्टिंग एग्जॉस् बिलो छियालीस हजार सात सौ चार तो जनाब ये आपके लेवल्स हैं ट्रिगर्स हैं जिनको लेकर हम कल की मार्केट का डायरेक्शन बनाएंगे उम्मीद करता हूं कि ये कॉल आपको समझ आई होगी अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन को हिट कीजिए बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज